ठंडा पानी पिलाऊंगा तो दोनों का दिमाग ठंडा होगा। नक्षत्री यहाँ क्या कर रही है? अगर इसने जिनू को देख लिया तो जिनू का राज खुल जाएगा। नक्षत्री डर गई। तुम लड़के ना जल्दी डर जाती हो, और तुम लड़के भी ना कितनी जल्दी फिसल जाते हो, नहीं? हाँ। वैसे हमें किसी भी चीज से डर नहीं लगता। ऐसा तो सिर्फ शहजादियां कह सकती, और तुम शहजादी ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? आप कहना तो देखो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन तुम जब देखो मुझसे लड़ती रहती हो। मैं तुम्हें शहजादी बुलाता हूँ तो भी तुम्हें गुस्सा आता है, नहीं बुलाता हूँ तो भी तुम्हें गुस्सा आता है। अगर तुम ही बताओ कि तुम वो क्या चीज। देखो देखो ये देखो, फिर तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आ गया तुमको। अब देखो अपना पंजा मत मारना, अब पंजा मत मारना मुझे। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बगदाद की फिक्र नहीं होगी, लेकिन हमें है। कल सब लोगों ने जहराल के साए को देखा है आसमान में, इसका मतलब कुछ बुरा होने वाला है। पूरे बगदाद में खौफ छाया हुआ है काले चोर, और हमें लगता है कि इस सब का मिस्र की मुहिम से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। बगदाद पर जो खतरा मंडरा रहा है नक्षड़ी, मैं तुम्हें ये सब अभी नहीं बता सकता, वरना मेरे भाई चिन्नू का राज खुल जाएगा। ठीक है नक्षड़ी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं इसके बारे में जरूर पता लगाता हूँ, और हाँ तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे इतला जरूर करना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। अब काले चोर, वो हमें हमें शहजादी के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। नक्षड़ी शहजादी के बारे में कुछ मत बोलना, इसमें शहजादी का कोई ताल्लुक नहीं, शहजादी जैसी है मुकम्मल है। अरे लेकिन हमारी बात तो सुनो नक्षड़ी। फिर कभी तुम्हें बगदाद की फिक्र नहीं, लेकिन मुझे बगदाद की फिक्र है। हमारे जासूस ये खबर लाए हैं कि लोगों को बगदाद में जहराल नजर आ रहा है। यहां तक हमें इल्म है जहराल मिस्र की उन नायाब मीनारों में मर चुका है, तो अब इन लोगों को क्या नजर आ रहा है? कहीं सरकत में तुम्हारा हाथ तो नहीं है? ये कमाल आपके इस गुलाम के अलावा और कौन कर सकता है आका? ये सब मैंने उस चिराग की जिन को गुलाम बनाने के लिए किया है। तुम सिर्फ हवा में किले बांध सकते हो। उस चिराग के जिन को पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। किसी काम के नहीं निकले। शैतान की कसम, अपने गुलाम की इतनी बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं है आका। क्या हो गया, बुरा लगा? इज्जत चाहते हो तो इज्जत कमाओ, रोजगार दिखाओ। हिम्मत है तो उस चिराग के चिन्ह को हमारे कदमों में लाकर रखो, वरना सफर की नजरों से दूर हो जाओ तुम। एक बात याद रखना, सफर के इस बाजार में मोटे सिक्के की कोई जगह नहीं है। अंदाजा नहीं है कम अकला का कि तू
किस आग के साथ खेल रहा है। आज बगदाद को मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। मैं इतनी तबाही मचा दूंगा कि उस चिराग के जिन का आका और उसके घर वाले दोनों उससे नफरत करेंगे। नफरत। बगदाद में तबाही मचाने का वक्त आ गया है। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना, शैतान हूं मैं, तुम बोले बाले, छाए तुम पर बादल काले काले। ये आने वाली तबाही का इशारा है। हाँ, ऐसे लगता है भाई। अरे ये मौसम कैसे बदल गया, ये आने वाली तबाही का इशारा है। हाँ, ऐसे लगता है भाई। आज से बगदाद के घरों में लोग नहीं कौम बसेगा। आज का दिन बगदाद में कोई नहीं भूलेगा। हुआ हुआ कि बेकाबू हुआ। लगता है बगदाद पर किसी शैतान का साया है। यहाँ रहना ठीक नहीं है, चलो घर चलते हैं। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। अल्लाह, ऐसे क्या हो गया? वो क्या साया है? सलीम भाई, सलीम भाई, ये क्या हो गया आपको? सलीम भाई क्या हो गया? सलीम भाई, सलीम भाई उठो, सलीम भाई उठो। बिलाल ये उठ क्यों नहीं है? बिलाल, अरे सलीम भाई उठिए। सलीम भाई आप ठीक तो हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरे साये ने इनको कब्जा कर लिया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबकी जान ले लूंगा मैं, तुम सबकी। पता नहीं आजकल बगदाद में हो क्या रहा है। अलादीन और चीनू भी पता नहीं घर पहुंचे कि बहुत खूब, मेरा शिकार मुझे रास्ते में ही मिल गया। जिनों से रिश्ता जोड़ने का बहुत शौक है ना तुझे अम्मी? दूर अंगूठी के जिन के कहर की वजह से बगदाद के लोगों ने सूरज ढलने के बाद अब घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। अब पूरे बगदाद में खौफ का साया नाच रहा है। लेकिन हुजूर, तकलीफ इस बात की है कि कहीं वो जिन खून खराबा ना कर दे। जिसे हम लकड़ी की तलवार समझ रहे थे, वाकई में इसमें धार है। अकबर, अकबर, हमें बस चिराग का जिन चाहिए, बस।
अब चाहे उसके लिए वो किसी को डराए, किसी को धमकाए, किसी की जान ले, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे छोटे जज्बाती भाई की मुंह बोली अम्मी एक जिन को गुमराह करने की सजा जरूर मिलेगी। कैसे हुई? आप मुझे मार क्यों रहे थे? जनाब हम बताते हैं, मेरा यकीन मानिए, यह सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब मैंने क्यों किया। कोई बात नहीं, घबराओ मत, तुम घर जाकर आराम करो। शुक्रिया, आज आपने मेरी जान बचा ली। तुम्हें बचाकर मैंने अपनी भी जान बचाई है रुखसार, क्योंकि मेरे जीने की वजह ही तुम हो। मेरे होते मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं, कोई भी तुम्हें से कोई भी नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं। बगदाद पर कहर आ गया है, कहर। यहाँ जिन्नों का साया है, जिन मंडरा रहे हैं यहाँ चारों तरफ। अब बगदाद को बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। अम्मी इतना कुछ हो गया और आप हमें अब बता रही हैं? हमारी अम्मी पे हमला करने वाले का तो हम कीमा बना देंगे। चलो जिन्न, चलो। अरे अलादीन, मेरी बात तो सुन। जो कुछ भी हुआ उसमें उस आदमी की कोई गलती नहीं थी, उस पर तो किसी बुरी ताकत ने काबू किया हुआ था। वो तो शुक्र है उस बहादुर अजनबी का जिसने मेरी जान बचा ली, वरना अम्मी, खुदा भी हमारी अम्मी को हमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि अगर हमारी अम्मी को कुछ भी हुआ मैं खुदा से भी लड़ जाऊंगा। अब गुस्सा मत कर और चल खाना खा ले।
चल अलादी, चलो बैठो खाना खाओ। मैंने अचार बनाया है, मैं लेकर आती हूँ। अंगूठी के चिन्ह ने अम्मी पर हमला किया क्योंकि वो मेरी और जिनू की अम्मी है। दुश्मनी के ना उसूल होते हैं जिनू, और अंगूठी के चिन्ह ने अम्मी पर हमला करके इस उसूल को तोड़ा है। अंगूठी के चिन्ह को जल्द से जल्द काबू में करना ही होगा। आज बाजार में एक औरत कह रही थी कि ये सब एक जिन की करामात है। बचपन में जिन्नात के किस्से तो बहुत सुने थे, पर ये नहीं सोचा था कि एक दिन बगदाद में जिन इस तरह तबाही मचा देंगे। हे ऊपर वाले, मेरे दोनों बेटों को जिन के बुरे साये से दूर रखना और जिन्नों को अच्छा सबक सिखाना। अम्मी, अचार बहुत अच्छे बने हैं ना? अम्मी, जिस तरह सब इंसान बुरे नहीं होते, उस तरह सब जिन भी बुरे नहीं होते। मतलब ऐसा मेरा ख्याल है। गलत ख्याल। जिन सब एक जैसे होते हैं, बुरे, समझा? चीनू, तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, मिर्ची लग गई। अम्मी, जिनू ने ना बहुत दिनों से शीर कोरमा नहीं खाया, इसलिए। तो तेरे लिए शीर कोरमा मैं आज ही बना दूंगी। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। Ha 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 ha